अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाजिर है, और आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.2 इसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें देखें, हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, 10 करेंगे। लेकिन ऊपर वैल्यूज़ जो हैं वो दिए, गिवन ए इज एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। क्वेश्चन अगर नहीं है तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। इवन इंटीजर लेस देन 10, आपको पता है इवन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो लेस देन 10 यानी कि 8 तक जाएगा। फिर उसके बाद है बी है एक्स सच दैट इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड कौन से होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7 लेस देन 10 है तो 9 तक आएंगे। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट है कि पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो पॉजिटिव इंटीजर सारे लेंगे तो 1 से लेके 9 तक आएंगे। तो ये मैं अभी आप यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हम इसी से निकालेंगे। अभी हम क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसको हम कॉपी पे करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन था, उसका मैं सोल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। अब आप खुद देखिएगा कि वो कह रहे हैं कि ए इज़ क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। इवन यानी कि 2, 4, 6, 8, बस ये इवन इंटीजर लेस देन 10 है। बी क्या है, उसने कहा एक्स सच दैट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 यानी कि 1, 3 ऑड इंटीजर, उसने कहा 1, 3, 5, 7 एंड 9 भी आएगा, ये लेस देन 10 में है। और उसके बाद उसने यूनिवर्सल सेट कह दिया ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 यानी कि 1 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपका हमारे पास क्वेश्चन बन गया। बुक में तो आपको मैंने पहले दिखा दिया है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, और सेट बिल्डर फॉर्म में जो होता है उसको हम पहले कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में, उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी बुक में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस बी कर देंगे। तो यूनिवर्सल है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, माइनस बी है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। अब ये इसमें से माइनस करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, 2, 4, 6, 8। अब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये आया 2, 4, 6, 8। यूनियन में ऑल एलिमेंट ये एट द वन प्लेस लिखते हैं, नो रिपीटिंग। तो 2, 4, 6, 8 में तो खाली एक दफ़ा 2, 4, 6, 8 लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत आसान होता है। यूनिवर्सल में यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट इकट्ठे लिखने हैं लेकिन रिपीटेड ना हो। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें उन्होंने कहा कि आप करें ए डैग कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो आप पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, माइनस ए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, या 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 एंड 9 बच गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले यहाँ आएगी 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू हमारे पास ये है 1, 3, 5, 7, 9। कॉम्प्लीमेंट में जो मैच कर रहे होते हैं वो लिखते होते हैं, ये सारे के सारे वही हैं जो यहाँ पर हैं, सब मैच कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9।
पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी है। थोड़ा सा जब ये समझ जाएंगे तो आपको आगे जाके डिमॉर्गन लॉ करने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हम अभी नहीं निकाल रहे, मैंने यहाँ पर देखें ये ए कम्प्लीमेंट मैंने पहले ये निकाला है, तो आप इस तरह देख लेंगे कि ए कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है और बी कम्प्लीमेंट ये निकाला था कैसे निकलता है। मैं यही वैल्यूज़ ले लूँगा, बाप तो अपने पेपर में अगर आएगा तो आप पहले इसको ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे खुद अपने तौर पर। मैं आपकी सेफ्टी के लिए, टाइम सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। तो ए कम्प्लीमेंट मैंने इसी पे जगह पर आज ही अभी बताया आपको, बी कम्प्लीमेंट भी अभी बताया, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूँगा यानी इंटरसेक्शन ले लूँगा। ए कम्प्लीमेंट क्या था, 13579, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 2468। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है जो मैच कर रहे होते हैं वो लिखते हैं, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा तो ये 5 सेट हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, अंदर नहीं लिखेंगे, अंदर लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, या तो इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। इसी तरह अगर आपके पास, हमारे पास है 11 क्वेश्चन है, सॉरी ये 11 था, 10 नहीं था। हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें अगर हमारे पास 13 है, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2468, माइनस बी कम्प्लीमेंट जो हमने ये निकाला था 2468, ये इसमें से सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, तो इसका जो बचना था वो लिखना था, तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट या 5। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन थे, हमने चंद एक क्वेश्चन किए 9, 10, 11 एंड 13। उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाकर आपको सेट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।